राशन की आड़ में लोगों को जबरन तिरंगा खरीदने पर मजबूर करना कितना सही। तो बोले झंडा ले लो, झंडा मैं नहीं लेना चाहता, जब मैंने राशन लेना है मेरे पास पैसे नहीं है। देश की आन बान शान पर राशन डीलर का प्लान, बोले तिरंगा लो वरना राशन नहीं। जिसने इतराज था उनसे हमने कहा अभी 20 रुपए का झंडा सरकार का ऊपर से ऑर्डर है। राशन की दुकानों में क्यों वसूली जा रही है बेशकीमती तिरंगे की कीमत? हमारी टीवी की स्क्रीन हो या फिर सड़कें और बाजार, स्कूलों से लेकर कॉलेज तक हर जगह तिरंगा देखने को मिल रहा है, जिसे देख मन प्रफुल्लित और गदगद उठता है। यूं लगता है कि मानो देशभक्ति की दिशा में उठते ये कदम राष्ट्र निर्माण की ओर हमेशा यूं ही चलते रहें। मगर इस बीच ऐसी कई वीडियो हमारे सामने आ रही हैं जो मन को एक पल के लिए हताश जरूर कर देती हैं। इतिहास गवाह है कि जब भी विनम्रता को छोड़ लोगों पर तानाशाह पूर्ण तरीके से कुछ थोपा गया है, वह कभी सफल नहीं हो सका। वीडियो में दिखाई देने वाला शख्स की पीड़ा हैरान और परेशान कर देने वाली है। तो बोले झंडा ले लो, झंडा मैं नहीं लेना चाहता, जब मैंने राशन लेना है मेरे पास पैसे नहीं है। अब मैंने कई 10-20 बंदों से पैसे मांगे, बोले भाई हमारी मजदूरी नहीं लगी है, मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा। चढ़वा है राशन कार्ड पर चढ़वा का गई, पूरे पूरे पीसे लेकर आए थे हम, 125 लेवाई हमारे राशन के, वहाँ पूरे पूरे लेकर आए यू राशन पर लिख रहे क्या 20 रुपये भाई फिर देंगे महीने पर, 20 रुपये देने पड़ेंगे। जो राशन डीलर की मनमानियों और जबरन तिरंगा खरीदने की बात कर रहा है। 5 किलो राशन काट लिया, जो मेरा झंडा दिया 5 किलो राशन काट दिया। अच्छा, आपके पास 20 रुपए नहीं थे झंडे देने के? हाँ, पैसे नहीं थे मेरे पास, ये झंडा दे दिया, अभी 5 किलो राशन काट लिया। हमारे देश में चुनाव के समय राजनेता क्या कमी छोड़ते हैं, जहाँ शराब साड़ी पैसों से लेकर सब कुछ फ्री दिया जाता है, मगर चुनावों के बाद ये वादे कहाँ खो जाते हैं पता नहीं। जहाँ 10 से 20 रुपए की कीमत पे मिलने वाला तिरंगा भी गरीबों को मुफ्त नहीं मिल पाता। हमारे देश को आजाद हुए 75 साल होने जा रहे हैं, जिसमें आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा जैसे अभियानों को भी चलाया जा रहा है, मगर इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए राशन डीलरों की मनमानी को कतई जायज नहीं ठहराया जा सकता। वीडियो में राशन डीलर के ऊपर ऑर्डरों की बात कर रहा है। इतराज था उनसे, हमने कहा अभी 20 रुपए का झंडा सरकार का ऊपर से ऑर्डर है, तुम्हारे को तो पैसे जमा करवाने पड़ गए। हम तो उन्होंने कहा अभी मगर जो 20 रुपए का झंडा नहीं लेगा तो उसको कैसे करे, उनको राशन नहीं दो उनको को सरकार के आदेश है साहब। हमारे इंस्पेक्टर साहब है जो ऊपर बैठे हमारे, उन्होंने कहा ये झंडा जरूरी है, जो राशन ले रहा है उनके लिए झंडा जरूरी है, 20 रुपए का झंडा, जो नहीं लेगा उसको नहीं मिलेगा राशन। हाँ, उनको कह दो आपको राशन नहीं मिला झंडा ले लो। तिरंगा न केवल हमारे राष्ट्र की पहचान है बल्कि देश का गौरव भी इसी से जुड़ा हुआ है। ये हमारे देश की संस्कृति में इस कदर रचा और बसा हुआ है कि केवल तिरंगे का दिख जाना हमारे दिल में देशभक्ति की भावना को हजारों गुना बढ़ा देता है। ऐसे में तिरंगे के नाम पर वसूली या उसे जबरन थोपे जाने वाली मानसिकता बिल्कुल भी ठीक नहीं। हालांकि वीडियो में दिखाए जा रहे राशन डीलर को तुरंत अरेस्ट कर लिया गया है और इस पर हरियाणा सरकार ने अपनी सफाई भी पेश की है। उनका कहना है कि सरकार की ओर से ऐसा कोई आदेश नहीं लाया गया। बहरहाल इस पर वरुण गांधी का भी ट्वीट सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि आज़ादी की 75वीं वर्ष गांठ का उत्सव गरीबों पर बोझ बन जाए तो ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा। यहाँ ये बात हमें समझनी होगी कि राशन का उपभोग आर्थिक रूप से निचले तबके के लोग करते हैं, ऐसे में उन लोगों पर तिरंगा खरीदने का दबाव बनाना या ऐसी वीडियो का सामने आना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।